हमारे पांडे जी हैं, ठीक है। पंचों के द्वारा जितने दिनों से भटके रहते हैं, मिल जाते हैं, एक दूसरे के दर्शन कर लेते हैं। आज राष्ट्रीय जागरूक हिंदू महासभा पंचीकृत का दिन है और हमें यहाँ पर श्रीमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज शर्मा जी, बड़े भैया जी और उपस्थित सभी बड़ों के आशीर्वाद से मुझे ये मंच मिला। हमारे बरेली में बहुत संगठन है, संगठन इतने हैं कि नाम हम क्या यहाँ पर उपस्थित सभी। मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि आप सबके सामने मैं अपने विचार रखूंगा, लेकिन आदरणीय नीरज शर्मा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जागरूक महासंघ के, हिंदू महासंघ के अध्यक्ष, इस तरफ चाहूंगा, प्लीज सुन रहे हैं मुझे, आवाज आ रही है ना। मैंने कहा कि बहुत छोटी छोटी बहुत बारीकी बात का इतना ध्यान रखते हो, इतना जो महासंघ है वो अपने आप में। शर्मा जी, समय मंच, मेरे युवा साथियों और सम्मानित आदरणीय मातृशक्ति सभी को अभिनंदन वंदन। मुझसे पहले पूर्व में जो वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, निश्चित तौर पर वो सत्यता की ओर थी, क्योंकि इस संगठन के बारे में मैं बधाई यह देना चाहता हूं कि लंबे अरसे से बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अजीज जिनसे मैं दूर था, मिल नहीं पा रहा था, उन्होंने मुझे यहां बुलाकर दिए, उनका परिचय रिन्यूअल करा दिया, नया करा दिया, फिर से मेरे दोस्त मुझे मिला दिए हैं। ये बधाई देना चाहता हूं नीरज जी को। और मित्रों, आप सब लोगों के चेहरे पर लोग यहां आ रहे हैं और जो व्यक्ति भी आ रहा है और इस मंच तक आ रहा है, कह रहा है मैं नीरज जी का आभारी हूं, मैं नीरज जी का आभारी हूं। बहन जी आ रही, मैं नीरज भैया की आभारी हूं। मैं सोचता था केवल मैं जानता हूं उनको, गिने चुने लोग जानते होंगे। मैं तो समझता था कि सिर्फ मैं ही चाहता हूं, मैं समझता था कि सिर्फ मैं ही चाहता हूं उनको। उनके चाहने वालों का तो काफिला निकला, ये पहले और मैंने देखा, और ये देखकर आज ज्वलसी हुई, कुछ जलन हुई मन को। मैं तो चाहता था, सिर्फ मैं ही चाहता हूं उनको, उनके चाहने वालों का तो काफिला निकला, ये देखकर